कुछ बातें सोचने और सीखने की है। ध्यान से सुने, मोदी का इंटरव्यू अक्षय कुमार ही क्यों करते हैं और अक्षय कुमार ही मोदी का इंटरव्यू क्यों लेते हैं? अगर इंटरव्यू ही करना था अक्षय कुमार को तो किसी न्यूज चैनल में काम करता, फिर फिल्मों में एक्टर क्यों बना? इंटरव्यू करने के लिए न्यूज चैनल वाले के काम होते हैं, और अगर इंटरव्यू हीरो से ही मोदी करवाना चाहे तो और सारे बहुत हीरो हैं, उनसे भी करवा सकते हैं। आखिर अक्षय कुमार से ही क्यों करवा रहे हैं? और ये जानते हुए भी कि अक्षय कुमार इंडिया का नहीं रहे, उसने कनाडा में घर लेके वहाँ सेटल होने का सोच लिया है, फिर भी अक्षय कुमार पे इतना लगाव क्यों है? दूसरा सवाल, आपको पता ही है कि मोदी हर हमेशा कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाते हैं, कुछ ना कुछ तकरीबें लाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब ये अपने देश से दूसरे देश जाते हैं तो लोगों को हाथ उठा के ये हाय बाय करके और वहाँ पे सबसे मिल के हाथ मिला के आते हैं और कुछ तकरीबें लेके आते हैं। लेकिन अपने ही इंडिया में जब अंबानी के घर जाते हैं तो उसे प्रणाम क्यों करते हैं? आखिर मोदी विदेश में जाके हाथ उठा के हाय बाय कर सकते हैं तो इंडिया में अंबानी को प्रणाम क्यों हाथ मिला के भी बोला जा सकता है, लेकिन नहीं, वो प्रणाम करता है। तीसरा सवाल, किसानों के ऊपर टैक्स लगाया गया है। किसान कुछ करे तो टैक्स भरे, कुछ खरीदे तो टैक्स भरे, लेकिन अपने इंडिया में रामदेव बाबा अरबपति खरबपति है पर उसमें टैक्स क्यों नहीं है? आखिर उसमें टैक्स क्यों नहीं लगाया गया? टैक्स क्या सिर्फ गरीबों के लिए होता है या अमीरों के लिए भी होता है? दोस्तों, इन सवालों का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में दें ताकि अगला सवाल मैं आपसे